हेलो दोस्तों, एवलेनिमा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, भूत चुड़ैल या रूहो को देखने की या उनके होने की ज्यादा कंप्लेंट अक्सर पुराने घर, किले या पैलेसेस में आती है, क्योंकि अक्सर वहाँ कुछ ऐसा घटा होता है जो शायद रिपेयर हुई दीवारें भुला दे, पर इतिहास और उस घर की नींव कभी नहीं भुला पाती। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे पैलेस की जहाँ भूतों के होने को रोज महसूस किया जा सकता है। यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज आम है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। A haunted palace. आज हम बात करने जा रहे हैं हेरिटेज ब्रिजराज भवन पैलेस की, जो कि कोटा में है। ये प्रॉपर्टी 180 साल से ज्यादा पुरानी है। यूं तो ये भवन अपने मेंटेनेंस के लिए बहुत फेमस है। एक रॉयल लिविंग, बड़े ड्राइंग रूम्स, डेकोरेशन, सुंदर लॉन्स और नेचर से जुड़ा ये भवन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। पर इसी बीच यहाँ होती हॉन्टेड घटनाएं भी हैं। पहले जानते हैं इस भवन का इतिहास। ये पैलेस 1830 में बनाया गया था और ये ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था। शुरुआत में इसे मॉन्यूमेंट की तरह रखा गया, फिर इसे ब्रिटिश ऑफिशियल्स यूज करने लगे अपने रहने के लिए। उसके बाद ये जगह वीवीआईपीज की मैंशन बन गई। यहाँ बड़े बड़े वीवीआईपीज रुकते थे। सदियां बीत गई इस पैलेस को बने, पर यहाँ एक बात आज भी वही है, यहाँ होने वाली हॉन्टेड चीजें। यहाँ पर पैलेस में ब्रिटिश ऑफिसर का भूत देखा गया है, जिसको इस पैलेस में 1857 में मार दिया गया था। आइए चलते हैं और जानते हैं क्या हुआ था। दरअसल यहाँ पर जब ब्रिटिश ऑफिशियल्स रहा करते थे, तो उन्होंने इसे अपना पर्सनल रेजिडेंस बना लिया था और वो लोग इस पैलेस में अपनी फैमिली के साथ रहने लग गए थे। और यहाँ एक बार कोटा आए मेजर चार्ल्स बर्टन, जिन्हें कोटा बहुत ही सुंदर लगा और उन्होंने अपनी फैमिली के साथ यहाँ शिफ्ट होने का फैसला लिया और वो शिफ्ट हो गए इस पैलेस में। कुछ इंडियन सोल्जर्स की टुकड़ी ने इस पैलेस में 1857 को हमला कर दिया और बर्टन के बॉडीगार्ड्स को मार गिराया। बर्टन और उसकी फैमिली भी इस अटैक में मारे गए। उस समय कोटा के राजा ने डेड बॉडीज को पैलेस के सेंट्रल हॉल में दफनाने का फैसला लिया और उसी के बाद से यहाँ पैरानॉर्मल घटनाएं घटने लगी। आसपास के गाँव में रहने वाले लोगों का मानना है कि आज भी इस महल में वो बॉडीगार्ड्स और बर्टन की फैमिली रहती है। साथ ही साथ कई बार लोगों ने महल में से चिल्लाने की आवाजें भी सुनी हैं। और फिर 1980 में एक किस्सा सामने आया। दरअसल 1980 में महारानी ने बटन की आत्मा को देखने का दावा किया था और खुद ब्रिटिश जर्नलिस्ट को इंटरव्यू में बताया था कि महारानी ने बटन की आत्मा को उनके स्टडी रूम में देखा था। जब महारानी स्टडी रूम गई तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी स्टिक के सहारे घूम रहा था, जिसके सफेद बाल थे। महारानी के हिसाब से वो बटन ही था। कई बार स्टाफ्स ने यहाँ ओल्ड मैन की आत्मा को भटकते हुए कॉरिडोर्स में देखा है। लोग अक्सर यहाँ के सेंट्रल हॉल में अनइजी फील करते हैं। ऐसी बहुत सी जगहें हैं जैसे स्टडी रूम, लॉन्स, जहाँ रात को पैलेस स्टाफ जाना अवॉइड करते हैं और उस एरिया को रात को क्लोज रखते हैं। पर इन सब एक्टिविटीज को हवा और मिली जब भवन के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स को थप्पड़ पड़े। दरअसल एक रात सिक्योरिटी गार्ड्स को यहाँ किसी पावर ने हिट किया और नींद से जगाया। यहाँ अक्सर गार्ड्स को थप्पड़ पड़ते हैं जब वो अपनी ड्यूटी नहीं निभाते। भवन इस हॉन्ट्स पैरानॉर्मल घटनाओं को अवॉइड करने के लिए यहाँ आने वाले टूरिस्ट को अक्सर ये सलाह देते हैं कि रात के टाइम पैलेस में बाहर आना अवॉइड किया जाए। साथ ही साथ इस पैलेस के लॉन्स में टहलना रात को वर्जित है। आप सभी लोगों को ये पैलेस कैसा लगा? क्या आप लोग इस पैलेस में रात को स्टे करना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं।